सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। उनको परेशान करने वाली राजनीति है जो, तो मैं समझती हूँ उसका समय आ गया है कि अब ये समाप्त होनी चाहिए। यह कहीं ना कहीं लोकतंत्र और संविधान को बचाने का भी चुनाव है। आज कोई भी युवा के पास रोजगार नहीं है। जो लोग बड़े बड़े वादे करते हैं और जो झूठ बोल बोल के थक नहीं रहे हैं, लेकिन आज सभी वर्ग और सभी समाज के लोग इनका झूठ सुन सुन के थक गए हैं। तो ये वो लोग हैं जो समाज को भिड़ा तो सकते हैं, लेकिन समाज को कभी आगे लेके नहीं जा सकते हैं। क्योंकि आज राशन नहीं मिल पा रहा है और राशन के नाम पे खाली बाजरा भी मिल रहा है, और युवाओं की नौकरी की लूट मचा दी है, और भ्रष्टाचार में नंबर वन। हम सब जागरूक नहीं हुए तो हो सकता है कल हम सब वोट ही ना डाल पाए। इस क्रांति में समाजवादी पार्टी का साथ दीजिए, और ये सरकार जो खाली भ्रम फैलाती है, खाली लोगों को तोड़ने का काम करती है, आपस में भिड़ाने का काम करती है, लेकिन इनके अंदर खुद भेदभाव छुपा है। तो ये लड़ाई आपके सम्मान आपके अधिकार की है। तो मैं आपको वादा करती हूँ कि हम महिलाओं को 1,00,000 रुपए पेंशन प्रति साल देंगे। अग्निवीर योजना को भी बर्खास्त किया जाएगा। कुर्सी उठा लाओ वहां से। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। आगे एक बार ये ना बोले जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। माननीय डिंपल यादव जिंदाबाद। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। हम सभी जानते हैं कि 2024 का चुनाव होने जा रहा है, और यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि यह चुनाव ऐसी नकारात्मक राजनीति, जो दबाव की राजनीति आज की है, जो लोगों पे दबाव डाल के वोट की चोरी करते हैं, और इसी के साथ जो लोगों पे दबाव डाल के उनको परेशान करने वाली राजनीति है जो, तो मैं समझती हूँ इसका समय आ गया है कि अब ये समाप्त होनी चाहिए। हम जानते हैं कि पूरे देश में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, और इस चुनाव में आप सबकी अहम भूमिका होने जा रही है, क्योंकि यह कहीं ना कहीं लोकतंत्र और संविधान को बचाने का भी चुनाव है। आज के हालात अगर हम देश के देख लें, हमारे सारे वर्ग, चाहे हमारा किसान हो, चाहे हमारा युवा हो, चाहे हमारी महिलाएं हो, चाहे हमारे जवान हो, आज कहीं ना कहीं अपने आप को आहत महसूस कर रहे हैं। आज कोई भी युवा के पास रोजगार नहीं है। जो लोग बड़े बड़े वादे करते हैं और जो झूठ बोल बोल के थक नहीं रहे हैं, लेकिन आज सभी वर्ग और सभी समाज के लोग इनका झूठ सुन सुन के थक गए हैं। और मैं समझती हूँ सबसे बड़ा बलवान अगर कोई चीज है तो वो है समय, और 10 साल का समय जो ये कटा है, तो आज आप सबके पास एक अवसर है कि आप इस समय इन लोगों को बर्खास्त कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग हमारे संविधान से मिले हुए आरक्षण को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे संविधान में भी बदलाव लाने चाहते हैं ये लोग, और संविधान के माध्यम से ही हमें वोट का अधिकार मिला है। सभी को एक एक वोट डालने का अधिकार संविधान ने दिया है, और जिन लोगों की नियत में संविधान को बदलना है, और जो संविधान के माध्यम से हमें हक सम्मान और अधिकार मिला है, अगर ये लोग संविधान को मदद देंगे तो बताइए कहाँ गया हमारा हक सम्मान और अधिकार, कहाँ गया हमारा राजनीतिक हक, आर्थिक हक और सामाजिक हक। तो ये वो लोग हैं जो समाज को भिड़ा तो सकते हैं, लेकिन समाज को कभी आगे लेके नहीं जा सकते हैं। ये वो लोग हैं जो झूठ तो बोल सकते हैं, लेकिन अगर जमीनी वास्तविकता देखेंगे तो इनको पता चलेगा कि आज सभी समाज कितना परेशान है, कितना अपने आप को सहमावा महसूस कर रहा है।
क्योंकि आज राशन नहीं मिल पा रहा है और राशन के नाम पे खाली बाजरा भी मिल रहा है। और अगर आप आकलन करेंगे कि आपको 10 साल पहले क्या मिलता था, तो आपको पता चलेगा कि आपको गेहूं, चावल, चीनी, तेल सब मिलता था, लेकिन आज इन लोगों ने आपके राशन की भी लूट मचा दी है और युवाओं की नौकरी की लूट मचा दी है और भ्रष्टाचार में नंबर वन है ये पार्टी। कौन सी पार्टी? तो क्या आप सब इसे हटाने में हमारा सहयोग और साथ दोगे? क्योंकि यह लड़ाई आज लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। आप अगर आज हम सब जागरूक नहीं हुए तो हो सकता है कल हम सब वोट ही ना डाल पाए। हो सकता है संविधान में ऐसे बदलाव ला जाए जिससे कि हम अपने अधिकार खो दें। तो मेरी आप सब से यही विनती है कि इस क्रांति में समाजवादी पार्टी का साथ दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब देश की सरकार जाएगी तो उत्तर प्रदेश की भी यह सरकार जा सकती है। और यह सरकार जो खाली भ्रम फैलाती है, खाली लोगों को तोड़ने का काम करती है, आपस में भिड़ाने का काम करती है, लेकिन इनके अंदर खुद भेदभाव छुपा है। ये किसी को सम्मान नहीं दे सकते हैं, ये किसी को बराबरी का अधिकार नहीं दे सकते हैं। तो यह लड़ाई आपके सम्मान, आपके अधिकार की है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि सभी युवा इस लड़ाई में जागरूक होकर हिस्सा लीजिए और एक एक वोट अपना बूथ तक पहुंचाने का काम करिए, क्योंकि मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से ही एक संदेश जाने का काम होगा। और जब केंद्र में गठबंधन और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो मैं आपको वादा करती हूँ कि हम महिलाओं को 1,00,000 रुपए पेंशन प्रति साल देंगे और हमारे किसान भाइयों को भी 1,00,000 रुपए प्रति वर्ष देंगे। और इसी के साथ जो ये योजना चलाई है हमारे जवानों के लिए, अग्निवीर योजना, जिसने हमारे पूरे देश के प्रतिष्ठा को श्रमशाल किया है, कहीं ना कहीं देश की प्रतिष्ठा, मान और गरिमा को गिराने का काम किया है इस अग्निवीर योजना ने, तो इस अग्निवीर योजना को भी बर्खास्त किया जाएगा। और समान पक्षी विहार के किसानों को उचित मुआवजा भी दिया जाएगा, क्योंकि मौजूदा प्रदेश की सरकार हमारे किसान भाइयों की जमीन तो हथिया लेती है लेकिन उनको उचित मुआवजा नहीं दे पाती है। वहीं समाजवादी पार्टी की जब सरकार आई और जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा किसी भी काम के लिए किसानों की जमीन ली गई तो लगभग 4 से 5 गुना ज्यादा मुआवजा दिया गया, लेकिन मौजूदा सरकार ने किसानों का भी हक जुबारने का काम किया है। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो मैं सभी को मुआवजा जो उचित मिले, इस बात की हम लोग आपको सुनिश्चित करके आ जा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी युवा साथी अपनी माताओं बहनों से कहना चाहूंगी कि यह एक क्रांति है और क्रांति में आप सब यहाँ एक सिपाही हैं और यह क्रांति है लोकतंत्र और संविधान को बचाने की। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका सहयोग और साथ इस क्रांति के लिए हमेशा साथ रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मंच पे उपस्थित सभी आदरणीय बुजुर्गजनों का मैं धन्यवाद देती हूँ, सभी समान के आदरणीय बुजुर्गजनों का, माता बहनों का और युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद।